मोहब्बत से अदा डाले। कसम हिंदू को ईश्वर की, कसम मुस्लिम को अल्लाह की, जो एक दूसरे का घर फूके उसे जड़ से मिटा डाले। वाह 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 वाह, उर्दू वाले भैया, उर्दू वाले में खासियत। जिसने यौम जमहूरिया के इस मुबारक मौके पर स्कूल के सदर जनाब प्रिंसिपल साहब और दूर दराज से अपना कीमती वक्त लेकर आए हुए मेहमान अजम और हमारे अजीज साथियों का इस गुलशने तालीम में तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ और मैं अपने उन उस्तादे कराम का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने आज इस मुबारक मौके पर मुझे कुछ कहने का मौका अता फरमाया है। तो साथियों, ज्यादा वक्त ना लेकर के मैं मुख्तसर लफ्जों में ही कुछ कठिन हिंदुस्तान के कुछ ऐसे वाकयात को बयान करना चाहूंगा। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अंग्रेज तिजारत की गर्ज से हमारे मुल्क में अपने नापाक कदम रखे और रफ्ता रफ्ता तिजारत के नाम पर यहाँ के फौजी और सुख हासिल करके यहाँ के मालिक बन बैठे और लाखों करोड़ों हिंदुस्तानियों का सरेआम कत्ल कर दिया और जुल्म बर्बरियत की ऐसी दास्तान दोहराई, जुल्म बर्बरियत की ऐसी दास्तान दोहराई कि पूरा मुल्क लहूलुहान हो गया, साथियों, अंग्रेजों ने हिंदुस्तान की ईंट ईंट बजा दी, चारों ओर सन्नाटा ही सन्नाटा, खामोशी ही खामोशी की फिजा नजर आने लगी और एक वक्त यूं महसूस होने लगा कि अब भारत का सितारे पर कभी मतले खुशी से नमोदार नहीं होगा। लेकिन धरती के खालिक और मालिक का हमेशा यह दस्तूर रहा है कि जुल्म की टहनी कभी फलती नहीं, ना कागज की सजा चलती नहीं। चुनांचा हिंदू मुसलमान की एकता अखंडता के इस नतायज में मुल्क हिंदुस्तान के जाबाज सिपाहियों ने इसे आजादी दिलाई और वह दिन 15 अगस्त 1947 को पूरा मुल्क आजाद हो गया। अब जरूरत थी मुल्क हिंदुस्तान को एक ऐसे दस्तूर आइन की अब जरूरत थी कि मुल्क हिंदुस्तान को एक ऐसे दस्तूर आइन की जो हमेशा भारत की तरक्की में उसकी संगमेल साबित हो सके और हर कदम पर साथ दे सके जिससे मेरा देश फिर से अपने जुल्फ़िकार को संवार सके। तो चुनांचा एक कमेटी तश्कील दी गई जिसकी सदारत डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी कर रहे थे। काफी कोशिशों से भारत का नया मसौदा तैयार किया गया और इस मुल्क को एक नया दस्तूर आइन नशीब हो गया और इस दस्तूर आइन को 26 जनवरी 1950 को पूरे मुल्क में लागू कर दिया गया। तभी से इस देश में 26 जनवरी को एक कौमी त्योहार यौम जमहूरिया के रूप में मनाते हैं। साथियों, ये मेरा मुल्क आजाद है, आजाद मुल्क है, एक जमहूरी मुल्क है, लेकिन यहाँ भी आज भी ये मुल्क खतरों से खाली नहीं है। ये हर एक हिंदुस्तानी तभी खुश नसीब होगा जब हर एक हिंदुस्तानियों के दिलों से आवाज आएगी कि जमीन मेरी है ये आसमान मेरा है, और सभी से प्यार है, सारा जहान मेरा है, कि सलाम करती है जिसको बाहर जन्नत की, कि सलाम करती है जिसको बाहर जन्नत की, कसम खुदा की ये हिंदुस्तान मेरा है, कसम खुदा की ये हिंदुस्तान मेरा है। चंद मिसरे और फरमाना चाहता हूँ, जहां तक की कोई शराकत की बात करता है, कि जहां तक की कोई शराकत की बात करता है, जुबान उसका है लेकिन बयान मेरा है, कि सबक दिया है इंसान सारी दुनिया को, इसीलिए तो भारत महान मेरा है।
साथियों, वालाखिर में मैं कहना चाहूंगा, गुजारिश करना चाहूंगा उन तमाम हिंदुस्तानियों से कि आजादी मुझे मुफ्त में नहीं मिली है, तो उनसे मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि दुश्मन को सीने से लगाना नहीं भूले, कि दुश्मन को सीने से लगाना नहीं भूले, हम अपने बुजुर्गों का जमाना नहीं भूले, कि दुश्मन को सीने से लगाना नहीं भूले, हम अपने बुजुर्गों का जमाना नहीं भूले, अयारों इस वतन को बचाए यूं रखना, कि अयारों इस वतन को बचाए यूं रखना, कि कुछ लोग अभी आग लगाना नहीं भूले, कि कुछ लोग अभी आग लगाना नहीं भूले। आखिर में आप लोगों से दो मिश्रे और फरमाना चाहता हूं, गुजारिश करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, कि इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना कि रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, कि रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, लहू खोकर की है जिसकी हिफाजत हमने, ऐसे तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना। जय हिंद, जय भारत।